वेलकम बैक टू माय किचन। आजकल जो टाइम चल रहा है, ये पैंडेमिक का टाइम है, कोविड का टाइम है, सब तरफ प्रॉब्लम्स हैं। लोग अपने आप को बीमारियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कड़वे कड़वे काढ़े पी रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए ये सब। और इन सब चीजों के साथ हमें फ्रूट्स भी ऐड करने चाहिए, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नॉन फ्लेवरेबल टाइप्स होते हैं, जनरली पसंद नहीं होते हैं, जैसे कि पपाया यानी कि पपीता। पपीता बहुत कम लोगों को पसंद होता है, लेकिन पपीते के बेनिफिट तो बहुत हैं। इट्स अ टोटल इम्यूनिटी बूस्टर फ्रूट। इसको खाने से डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होता है, इवन वेट लॉस के लिए ये परफेक्ट फ्रूट है। तो चलिए, अगर आपके बच्चों को, आपके घर में लोगों को पपीता नहीं पसंद है, तो चलिए आज एक पपीते का बढ़िया सा मिल्क शेक बनाते हैं। तो आप उसे ब्रेकफास्ट में या इवनिंग में बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, और बहुत ही हेल्दी वर्जन बनाएंगे। टोटली हेल्दी पपाया मिल्क शेक आज हम बनाते हैं मिलके। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, चलिए बनाते हैं पपाया मिल्क शेक। पपाया मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप पपाया, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, और मिल्क मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया, आप टोन मिल्क भी ले सकते हैं। मैंने लिया है हनी, आप शुगर भी ले सकते हैं स्वीटन करने के लिए। थोड़ा सा आलमंड पाउडर, बादाम का पाउडर, बादाम को बस नॉर्मली मैंने मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लिया था। गार्निशिंग के लिए कुछ नट्स, आप कोई भी नट्स ले सकते हैं, मैंने किशमिश ली है और बादाम लिया है। तो पपाया मिल्क शेक लेने के लिए सबसे पहले मैं मिक्सर में डाल रही हूँ 1 कप के करीब कप पपाया। साथ में मैं पहले डालूंगी 1/2 कप के करीब मिल्क। सबसे पहले हम पपाया और मिल्क का एक स्मूथ मिक्सचर बना लेंगे। तो हमने मिक्सर में डाल लिया है और इसको एक बहुत ही अच्छे से स्मूथली मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये हमने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आलमंड पाउडर, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून, और बड़ा 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ हनी। आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं। हनी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं टोटल हेल्दियर वर्जन बना रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं ऐड करने वाली हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा मिल्क और ऐड करके फिर से ग्राइंडर में मिक्स करेंगे। तो हनी और आलमंड पाउडर डालने के बाद हम इसे मिक्सर में डाल के अच्छे से और ब्लेंड कर लेंगे, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा और मिल्क। तो मिल्क ऐड करके हम फिर से एक बार मिक्सर में चला देंगे। एक बार मिक्सी में चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स डाल एक बार और मिक्सी में चला दूंगी। तो देखिए, हमारा बढ़िया सा पपाया मिल्क शेक रेडी है। अब हम इसे पोर कर लेंगे। वाओ, लुकिंग सो यम। बस अब हम इसे गार्निश करेंगे थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से आलमंड जो मैंने चॉप करके रखे थे। आप चाहें पिस्ता डाल सकते हैं, आप चाहें कुछ और भी डाल सकते हैं, कुछ भी, पिस्ता, काजू, व्हाटएवर आपकी चॉइस के नट्स आप डाल सकते हैं। और पपीता हमें हमेशा अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। साथ में मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, जस्ट फॉर फ्लेवर ऊपर से डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। बहुत ही टेस्टी और यमी बना है ये, और ये टोटली फुल ऑफ हेल्थ है। आप की तबीयत खराब हो, बीमार हो, कभी भी आपका कुछ पीने का मूड नहीं हो, लेकिन गर्मी बहुत हो, एकदम चिल्ड, और स्पेशली इस पैंडेमिक के दौरान ये इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क शेक आपको जरूर पीना चाहिए। देखिए, ये हमारा बढ़िया सा पपाया मिल्क शेक रेडी है। तो अब बारी है एक टिप की। पपाया से लेकर तो बहुत सारी टिप्स है मेरे पास, क्योंकि पपाया हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप
आपको अगर स्किन में इरिटेशन हो रही है या आपकी स्किन में थोड़ा रफनेस फील हो रही है तो आप एक पपाया का पीस लीजिए और उसे ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कीजिए और उसे फेस पैक की तरह लगा लीजिए एंड देखिए आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और परफेक्ट हो जाएगी। या आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही हो तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि आप पपाया का बॉल खाएं तो आपका पेट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो इफ यू लाइक माई रेसिपीज, इफ यू लाइक माई टिप्स, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप हर वीडियो को टाइम से देख सकें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए और ये इम्यूनिटी बिस्टर मिल्कशेक पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर अमंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अपना फीडबैक जरूर लिख के बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।